हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी? आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स कंसेप्ट क्लासेस में। आज हम करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस। ठीक है, देखिए मैंने 1.3 जो चैप्टर जिसका जो 1.3 जो एक्सरसाइज है इसको मैंने दो पार्ट में दिखाया है आपको। ठीक है, तो इसका आज हम करेंगे सिर्फ फर्स्ट पार्ट को। थोड़ा सा बड़ा था इस वजह से मैंने इसको दो पार्ट में ब्रेक किया है, तो आज हम करेंगे इसके फर्स्ट पार्ट को। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मैं आज कराऊंगा क्लास 9 का 1.3 के क्वेश्चन, जो कि मैं दो पार्ट में लेके आऊंगा। ठीक है, तो इसके मैं क्वेश्चन आज जो कराऊंगा वो है फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन एंड थर्ड क्वेश्चन। आज हम इसके सिर्फ तीन ही क्वेश्चन करेंगे, सेकंड पार्ट इसका जल्दी रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए फिर स्टार्ट करते हैं। इसका देखते हैं, इसका सबसे पहला क्वेश्चन लिखा है कि राइट द फॉलोइंग इन द डेसिमल फॉर्म। इनको हमें डेसिमल फॉर्म में लिखना है एंड से व्हाट काइंड ऑफ द डेसिमल एक्सपेंशन ईच है कि, और इनके साथ में हमें डेसिमल एक्सपेंशन भी बताने हैं कि किस तरह के हैं ये। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या 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 है कि हमको ये बताना है इसमें कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन रिपीटिंग है, कि टर्म रिपीटिंग है या कैसा है, उनका मतलब स्वभाव हमें बताना है। कैसे होंगे क्वेश्चन ये? सबसे पहला क्वेश्चन है कि 36/100, इसको कुछ नहीं करना है, इसको जस्ट डिवाइड कर दीजिए आप। ठीक है, डिवाइड करते ही हमें क्या चीज़ दिखेगा? हमें दो चीज़ पे नोटिस करना है, एक तो हमें रिमाइंडर पे नोटिस करना है, एक हमें क्वेश्चन पे नोटिस करना है। रिमाइंडर हमें क्या नोटिस करा रहा है कि नीचे आ रहा है जीरो। नीचे अगर जीरो आ रहा है इसका मतलब क्या हो रहा है, वो कहीं ना कहीं जाके क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। एंड अगर टर्मिनेट हो रहा है तो और ऊपर क्या हो रहा है, यहाँ पर, यहाँ पे क्या हो रहा है, कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, सिंपल से 0.36 आ चुका है। इसका मतलब ये क्या आ गया, नॉन रिपीटिंग आ गया है। ठीक है, क्यों रिपीट हो नहीं रहा, नॉन रिपीटिंग को लिखने की जरूरत नहीं होती है इतना, तो यहाँ पे क्या हो, टर्मिनेटिंग आ गया नंबर ये सारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा। अगला क्वेश्चन नंबर 1/11, इसको भी वही सेम काम करना है, इसको भी वही हमें डिवाइड करवा देना है। एक बार डिवाइड करवाते हैं, हमें दो चीज़ पर गौर देना है, एक हमारा क्वेश्चन एंड एक हमारा रिमाइंडर। रिमाइंडर में 1 आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये अभी ख़त्म तो हुआ नहीं, पहली बात, तो सिंपल चीज़ होगी नॉन टर्मिनेटिंग आ गई। ठीक है, साथ ही साथ ऊपर देखेंगे तो 0.0909 आ रहा है, 0.0909, इसका 0909 रिपीट हो रहा है इसमें। ठीक है, तो 09 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, तो इस वजह से रिपीट ही हो जाएगा। इसको डेसिमल एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, तो 0.09 तो लिख दिया हमने। अब बिकॉज कि 09 रिपीट हो रहा है हर बार, तो इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, ऐसे बार हमारा ये डेसिमल एक्सपेंशन में हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये है 4/1/8, ये जो चीज़ लिख रखी है ये हमको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख रखी है हमें, इसको हमें पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो होते हैं जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है डिनोमीटर से, मतलब कि न्यूमरेटर बड़ा हो गया डिनोमीटर से। ठीक है, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होते हैं। तो कैसे होगा ये कि हमें 4 को और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया करें। देखिए, समझ लीजिए कि मिक्स फ्रैक्शन कैसे सॉल्व होता है, कि 4 को और 8 को मल्टीप्लाई कर दिया, कितना हो गया, 8 4 32, ऊपर से प्लस 1 हमने ले लिया, 1 में प्लस कर देंगे इसको, आ गया 33। ठीक है, और नीचे 8, तो 33/8 हमारा क्वेश्चन ये हो चुका है। अब मुझे इसको डिवाइड करवाना है बस, अब ठीक है, ठीक है इतना, तो इसको कराइए फिर। देखो 33 और 8 को हमने डिवाइड करा दिया। मैं दो चीज़ पे क्या 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 गौर करना है, एक तो हमें रिमाइंडर पे गौर करना है, सेकंड हमें क्वेश्चन पे गौर करना है। रिमाइंडर हमें 0 मिल चुका है, क्वेश्चन पे हमें 4.125 मिला है, इसका मतलब क्या है, रिमाइंडर में 0 मिल गया तो इसका मतलब टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, और नॉन रिपीटिंग हमें दिख ही रहा है, तो नॉन रिपीटिंग को लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा हो गया तीसरा, इसका पहले का तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन है इसका कि 3/13, 3/13 है इसका क्वेश्चन। सिंपल सा वही काम दोबारा से करना है हमें, क्या कि हमें क्या करना है, इसको डिवाइड करा देना है। रिमाइंडर पर ज़रा गौर करिए, रिमाइंडर पर गौर करेंगे हमें पास आ रहा है 3 एंड क्वेश्चन पे आ रहा है हमारा 0.2
23079। ठीक है, अब इस पे आएगा बार, क्यों आएगा? आप तो कहेंगे कि एक तो कहीं रिपीट हो नहीं रहा है, हमें दिख रहा है सिंपल कि 0.230769 लिखा हुआ है, इसमें कुछ रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ दौर से गौर से देखें तो रिपीट हो रहा है। क्यों क्यों क्या चीज़ रिपीट हो रहा है इसमें? देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में था सिर्फ 3/30, मतलब मैं 3 डिवाइड कर दूंगा 13 से, यही था क्वेश्चन। रिमाइंड वो पॉइंट डेसिमल लेके मैं 30 बना दिया इसको, तो ऊपर से ठीक है नीचे देखिए दोबारा से 3 आ रहा है। अब दोबारा 13 जो और 3 से डिवाइड होगा, होगा कि नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, यही क्वेश्चन दोबारा बन रहा है, मतलब ये जो क्वेश्चन थे दोबारा रिपीट होने वाला है, सेम टू सेम। ठीक है, हर बार यही रिपीट होने वाला है। बस इसका मतलब क्या हो गया, पहली बात तो ये हो गया 3 है, सॉरी पहली बात तो क्या ये 3 है एंड ऊपर क्या है रिपीटिंग मोड में है, तो क्या हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसका अगला है 2/11, 2/11 डिवाइड करवा दीजिए इसको। यहाँ भी वही चीज़ आ रहा है कि हमारे पास रिमाइंडर में 2 आ रहा है, यहाँ देखिए यहाँ भी 2/11 था और नीचे भी 2 ही बच गया हमारे पास, तो वही चीज़ जो क्वेश्चन में अभी जो है वही दोबारा रिपीट होने वाला है आगे भी। ठीक है, देखिए 20 है 20, ठीक है, तो क्या इसका समय आ रहा है, तो पहली बात तो ख़त्म नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, एंड रिपीट भी हो रहा है तो रिपीटिंग मोड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 6th क्वेश्चन इसका कि 329/400 इसको डिवाइड कराना है, तो डिवाइड कराइए। डिवाइड जैसे ही कराएंगे तो हमारे पास रिमाइंडर में अपने पास आ गया कितना 0 और क्वेश्चन में आ गया अपने पास 0.8225। ठीक है, तो अपने पास रिमाइंडर में 0 आ गया, इसका मतलब क्या हो गया, टर्मिनेटिंग हो गया, टर्मिनेटिंग मोड में आ चुका है। ठीक है, और रिपीटिंग है नहीं है। ठीक है, हो गया, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2nd क्वेश्चन आ गया इसका, इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि क्या बोला क्या है, यू नो डैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ये 1/7 की वैल्यू दे रखी है, हमें निकालने किसकी है 2/7 की। देखिए इसको कि सिंपल सा क्वेश्चन, 2/7 को मैं 2 × 1/7 लिख सकता हूँ, सिंपल चीज़ है, 2 × 1/7 इसको मैं लिख सकता हूँ, मुझे 1/7 की वैल्यू दे रखी है कितनी है 0. तो देखिए इसको मैं क्या लेता हूँ, 2 × 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857, और इसको बार लगा, कोई लॉजिक नहीं है, मल्टीप्लाई करिए जितना भी आंसर आएगा, जितना जैसे कुछ भी आंसर आएगा एक्स, तो उसके ऊपर हमें बार लगा देना, जस्ट हो गया क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरह 3/7 का, 3/7 का भी सेम होगा, 4/7 का भी सेम होगा, 5/7 का भी सेम होगा, और 6/7 का भी सेम ही होगा, बस सिंपल सा क्वेश्चन है ये, ऐसे ही। ठीक है, 3rd क्वेश्चन देखते हैं। 3rd क्वेश्चन बोल रहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग ईच इन द फॉर्म ऑफ p/q, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड नॉट इक्वल टू 0। ये जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको डबल स्टार लगा लीजिए बेसिकली। तो सबसे पहला क्वेश्चन है अपने पास, क्वेश्चन छूट गया है यहाँ पे, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा ये आएगा 0.6 और उस पर ऊपर बार, ये अपने पास क्वेश्चन होगा। हमने बार का मतलब क्या देखा था, कहीं पे भी अगर बार होगा ऐसे तो मैं उसको 0. रिपीटिशन मोड में बोल रहा है, तो 6 को मैं बार बार ऐसे लिख सकता हूँ, तो बस यहाँ भी वही काम करना है, 0.66 मैंने यहाँ पे 2-3 बार लिख दिया, और इसी को ही मैं लेट कर लूँगा कि ये x के बराबर, x इज इक्वल टू 0.666 2-3 बार लिख करके। ठीक है, अब देखिए हमें इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, किससे करना पड़ेगा, जितने पे बार, जितने नंबर्स पे बार है, यहाँ पे 0.6 बार, एक ही पे बार है, इस वजह से एक ही नंबर पे बार है, इसी वजह से मुझे सिर्फ 1 0 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 0 के आगे लगा दीजिए 1 हमेशा, ये तो लगाना ही है। इसका मतलब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड, बोथ साइड में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमें।
तो इसको करेंगे जैसे ही, देखिए एक्स एक्स इज इक्वल टू 0.66 हमने किया, मल्टीप्लाई करते ही अपने पास 10x इधर और ये पॉइंट कहाँ खिसक के आ जाएगा, यहाँ पे, तो 6.66 आ जाएगा। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेंगे, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेंगे और दोनों को करा देंगे माइनस। सेकंड में से माइनस करा दीजिए फर्स्ट को, ठीक है। ये कितना बन जाएगा अपने पास 9x, ये इधर से अपने पास 9x हो जाएगा और इसको माइनस करेंगे आप 6 आ जाएगा। यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/9, इसको काटेंगे 2/3, ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था। अगला जो क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है मेरे पास 0.00001 और बार, यहाँ पे तीन नंबर और बार है एंड कंडीशन हमें चेक करनी पड़ेगी क्या कि यहाँ जो पॉइंट है वो बार से पहले है क्या, तो है यहाँ पर, तो बस बार का कंसेप्ट है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक्स इज इक्वल टू 0.00001 हमने मान लिया एक बार। अब जो बार है तीन नंबर पर है, मतलब हमें 3 जीरो चाहिए और साथ में 1, तो हमें मुझे मुझे इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना है बोथ साइड में, ठीक है। 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें क्या दिखेगा, ये इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000x बन गया ये, और इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए पॉइंट कहाँ चला जाएगा, 3 डिजिट और इधर खिसक के चला जाएगा, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 0.001.001 और दोबारा से इन दोनों जीरो की कोई वैल्यू रही नहीं है, तो बन गया हमारे पास 1.001, ठीक है। अब समझिए जरा आगे क्या हो गया, तो इधर से होगा 1000x, ये वाला जो लाइन है 1000x इज इक्वल टू 1+, अब देखिए 1.001 था, ठीक है, और ये हमारा मैंने इसको भी हमने मान रखा कितना x ही मान रखा, तो इसको मैं 1+x तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो इसी वजह से 1000x इज इक्वल टू 1+x आ जाएगा। हमने x को एक तरफ किया, 99 999x इज इक्वल टू 1 आ गया और x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1/999, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, तो आज के लिए इतना ही है। इसके जो अगले जो क्वेश्चंस बनेंगे वो इसके सेकंड पार्ट में लाऊंगा, वो इसके किस में आएंगे, सेकंड पार्ट में आएंगे इसके, ठीक है, वो भी जल्दी ला दूंगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।